अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपको कुछ पेट्स दिखाते हैं, कुछ जानवर दिखाते हैं जो कि लकी रानी सर्कस में आए। अभी कुछ और वीडियोस के पार्ट्स हैं जो अभी आपसे शेयर करने हैं, कुछ और करतब थे लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयरिंग करता रहूँगा, क्योंकि 3 घंटे का शो था और 3 घंटे आपको लगातार दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा चलो 8-8, 10-10 मिनट के क्लिप्स जो होंगे वो आपसे शेयरिंग करता रहूँगा। और आज की जो वीडियो है जी, बाकी पार्ट्स भी मैं शेयर करूँगा, लाजमी देखिए, डेली बेस पे शेयर होंगे। ये भैंस है जी, गाय जिसे बोल लें, और इसमें जो एक है ये चेक करें, 4 नीचे टांगे हैं इसकी और 5वीं ये देखें, ये इसके निकल रही है। ये इधर आई हुई जिस लकी रानी सर्कस पे 5 टांगों वाली है, देख रहे होंगे, जैसे कह लें अजूबा कुदरती तौर पे। अक्सर ऐसे हो जाता है इंसान की जैसे हाथ है ना, तो अक्सर ये 2 अंगूठे हो जाते हैं, जैसे ऋतिक रोशन के 2 हैं, और इसी तरह ये भी है, तो इंसान की उंगलियों में भी फ़र्क आ जाता है पाँव में। तो इसी तरह ये देखें जी, इसकी 5 टांगे हैं। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं कुछ और बर्ड्स वगैरह जो पेट्स हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी है, आपस वाली बात है, बहुत बुरी कंडीशन में रखा हुआ है। ये देखें जी, ये गार्ड डॉग है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्सा कर रहा है। ये रात को इनसे मैंने पूछा था किस लिए रखा है, तो कह रहे जी रात को इनको खुला छोड़ देते हैं इसको, ताकि रखवाली करे, कोई पेट्स वगैरह उठा के ना ले जाए। ये देखें वाइल्ड बोर यानी सुअर सोया बैठा है, और ये चेक कर सकते हैं, अब ये नहीं मुझे पता है आइडेंटिफाई कि मेल है या फीमेल है, सोया रेस्ट कर रहा है। इसके अलावा ये है जी फॉक्स है, गालबन लुमड़ी वाइल्ड फॉक्स है, इनका अभी नहीं खैर पता मेल्स हैं फीमेल्स हैं। तो ये देखें जी, काफ़ी स्मेल आ रही है यहाँ पे। इसके अलावा जनाब ये मंकी है, ये भी सोया रेस्ट कर रहे हैं, रात को मेरे ख्याल एक्टिव हो जाते हैं, जब लोग देखने आते हैं तो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं इसलिए मेरे ख्याल में। और ये इसके अलावा ये है जी जैकल, जिसे क्या कहते हैं हम पंजाबी जनों की कही था जे गिदड़, हाँ याद आ गिदड़, वैसे जैकल इसको बोलते हैं, और ये गालबन मेल है, ये भी इसमें है शामिल। और ये देखें जी हेमांस्टर, हेमांस्टर का ये होता है कि ना ये चूहे होते हैं और ना ये खरगोश है, यानी कि दोनों का कह लें कि जैसे क्रॉस करवा के निकाली, थर्ड ब्रीड, थर्ड जनरेशन जिसे कह लिया जाए, क्योंकि जो इनकी हाइट शाइट फेस तकरीबन खरगोश जैसा होता है, लेकिन दुम ना होने और बाकी कुछ इनकी क्वालिटीज़ मिलती हैं चूहों से, वैसे इनको हेमांस्टर बोला जाता है, लेकिन ये कह लें कि दोनों की ही फैमिली से हैं। इसके अलावा ये जी मंगूस है, नेवले जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ बच्चा इनका, और ये कितने हैं पीसीज, गालबन 3 पीसीज हैं नेवले के, ठीक है। अब ये वाइल्ड कैट है, ये देखें काफ़ी गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, ये देखें, चाहे मैं इसके आगे हाथ करूं इसने अटैक करना है फुल तरीके से, लेकिन गलती नहीं, पंजे भी इसके नाखून बहुत डेंजरस होते हैं, अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं मेरे हाथ के ऊपर। ये वाइल्ड कैट है, शायद फीमेल है या मेल है, कोई आइडिया नहीं है। ये देखें जी, ये जनाब भी मेल बैठे हैं बंदर। इसके अलावा ये पर्शियन कैट है, एक ये मेल है पर्शियन का। इसके अलावा ये जी मुश्क बिल्ला है, इसको बोलते हैं सिविट कैट, आम लफ्ज़ों में इसको सिविट कैट बोलते हैं, लेकिन जो उर्दू में इसका नाम है वो उर्दू में इसको मुशक बिल्ला बोलते हैं, ठीक है, वैसे सिविट कैट। और ये जनाब इसने पकड़ ली थी अभी बंदर ने, हाँ वो पकड़े थे पीछे, इनसे बचत करनी पड़ेगी, ये जनाब बहुत शैतान बंदा है। अभी कैमरा मेरा लेके जा रहा था अंदर,
लेकिन कवरेज कर ली। देखिए ये मेरे ख्याल में मेल लग रहा है, ये सेविट कैट, और ये फीमेल है यार। ये देखें, ये भी काफ़ी शरीफ है। और खाना पीना इनकी खुराक अगर देखी जाए, गोश्त वगैरह ही खाते हैं ज़्यादातर, छोटे रात को जो कि चीज़ें चूहे चूहे पकड़ लिए इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ये देखें एक और है सुअर, तो ये भी इस केज में है, काफ़ी छोटे केजेस हैं। बादशाह मैंने इनसे की थी, ये देखें जी, आम लफ्ज़ों में हम तो इनको से बोलते हैं पोक्योपाइन के, क्या इसको पोक्योपाइन महकल बोलते हैं, तो हम इसको अपनी जो ज़ुबान में हमारे इलाके में इसको बोला जाता है से। और ये अक्सर कब्रिस्तान जहाँ कब्रें वगैरह होती हैं वहाँ बाहर वहाँ से निकलती हैं, और लोग शिकार भी करते हैं जो जिन्होंने डॉग्स रखे होते हैं शिकारी डॉग्स, तो काफ़ी जुल्म वाली बात है इन पर, इनको मार देते हैं जब रात को शिकार पर लोग निकलते हैं। ये भी सिविट कैट है ऊपर वाली भी। इसके अलावा ये पर्शियन कैट है, फीमेल है, और ये मेरे ख्याल फीमेल है एक मंकी, और ये भी जैकल है नीचे। ये देखे जी चील, ब्लैक काइट कह लें कि काफ़ी बुरी कंडीशन में है, विंग्स विंग सारे डैमेज है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इनको देना चाहिए वो नहीं मिला। मैं अपना ईगल भी लेके आया हूँ जी, वो देखें जी, वो बाहर बिठाया हुआ है मैंने, गोल्डन ईगल। अब उसको मैं केज में नहीं रखता, ये देखें बाहर स्टैंड पर बिठाया है और रिलैक्स मूड में, यानी कि केज में रखेंगे तो पर्शर ये तोड़ लेंगे जिस तरह के इन्होंने, ये देखे डैमेजिंग की हुई है, टोटल टेल इसकी ख़राब है, टोटल उड़ने वाले विंग्स ख़राब हैं, टूटे हुए हैं, तो इसी वजह से इनको केज में नहीं, हुड लगा के उसको चेक करें जी, हुड लगाया हुआ है, क्योंकि अक्सर वाइल्ड होते हैं तो उड़ने की कोशिश में पर्शर ये डैमेज कर लेते हैं, और इसी वजह से हुड में, ताकि ये सुकून से बैठे रहें। और अगर ऐसा ना, केज में अक्सर लोग रख लेते हैं शिकरा वगैरह, हॉक्स वगैरह, फाल्कन्स वगैरह, तो उनकी कंडीशन यही होती है जिस तरह इनकी है, टेल शेल उड़ने वाली हर चीज़ ख़राब कर बैठते हैं डर के मारे, ठीक है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कादा नहीं एक ही है, वो आप ही रखे आया, वो बिल्ला वा, मैं एक बार तेन करता सेंड, एक मिनट। अभी जी ये भी जैकल है, ये देखें, और काफ़ी कह लें कि डिप्रेशन में है, सारा दिन घूमना, क्योंकि जगह इनके लिए थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि सर्कस ने 6 दिन इधर गुजारने हैं, 6 दिन किसी और सिटी में चले जाना, इनका भी आना जाना लगता रहता है, और बड़े केज कह रहे हैं अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, तो इस वजह से इन पिंजरों में इनको बंद किया है, ताकि गाड़ी पर ले कर जाना और आना आसान, लेकिन जैसा वैसे इनको माहौल चाहिए वो प्रोवाइड नहीं है, आपके सामने है। और ये चीज़ें जी जो सर्कस में आई हैं, कुछ है, बाकी कुछ और पेट्स भी कह रहे थे, लेकिन वो क्योंकि आपको पता है कोविड जिस इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल आई हैं खाना वगैरह इनको देने में, तो काफ़ी चीज़ें इनकी एक्सपायर हुई हैं कोरोना की वजह से। और ये देखें जी, ये टोटल है, ये चीज़ें देख रहे हैं, ये है सारा कुछ, मैंने कहा आपको इधर के भी माहौल, ये सारे टोटल डिप्रेशन में हैं बर्ड, जो कि बुरी हालत में है। अब इनसे पूछा है कि क्या इनका लाइसेंस का हिसाब है, कहते हैं जी लिए हुए हैं, लेकिन इनका कभी कसूर नहीं है जो इनको रख रहे हैं, जैसा कि ये दोस्त भाई हैं, तो कह रहे हैं जी जो इस तरह मालिकों ने हमें दिया है, जो कुछ दिया है, हम तो इनके सारा कुछ वही करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपको कुछ और शेरों से भी मुलाकात करवाते हैं, कुछ और कुत्तों की ट्रेनिंग के सारा हवाले से भी आपको एक इंटरव्यू लेके देते हैं, और वो बंदे आ गए हैं जी, ये इनसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा, इनके जो पेट्स वगैरह इनको ट्रेनिंग श्रेनिंग देते हैं सारी शेरों को कुत्तों को, इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।